अभी हर जगह बस एक ही नाम चल रहा है, द केरला स्टोरी। मतलब जो भी सोशल मीडिया उठा के मैं खोला, यूट्यूब ले लो, फेसबुक ले लो, ट्विटर ले लो, इंस्टाग्राम, हर जगह बस इसी का पोस्ट देखने को मिल रहा है कि द केरला स्टोरी, द केरला। और भाई साहब इसने तबाही भी मचा दी। मतलब इतनी कम बजट की मूवी, सोचो कितना कम बजट इस मूवी का। और भाई साहब इसने फर्स्ट डे ओपनिंग में मतलब 8 करोड़ से ज़्यादा का ओपनिंग कर दिया। मतलब अनएक्सपेक्ट लगता है कि जब इस टाइप की मूवी आती है तो आपको लगता है कि भाई उतना ज़्यादा ओपनिंग नहीं दे पाएगी। और भाई साहब उसके साथ साथ एक हॉलीवुड की मूवी आई थी, गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी 3, लेकिन भाई साहब उसको भी बीट कर दिया। और भाई सेकेंड डे का जो कलेक्शन निकल के आया ना भाई साहब, 11.5 करोड़ रुपये इंडिया नेट कलेक्शन। और 2 दिन में भाई अप्रोक्स इसने 20 करोड़ छोड़ दिया भाई, इतना ज़्यादा। तो एक बड़ी मूवी अगर कोई बड़े स्टार की आज के टाइम पे आती है तो भाई उतना ज़्यादा नहीं कमा पाती। एक्चुअली में रिपोर्ट के हिसाब से माने तो 2023 है ना, उसमें ये 5 नंबर पे मूवी हो गई ये फर्स्ट डे सबसे ज़्यादा ओपनिंग करने वाली भोला के बाद। तो भाई समझ लो इस मूवी का क्रेज कितना है। और अभी ये भी रिपोर्ट निकल के आ चुका है, अर्ली एस्टिमेट समझ लो आ चुका है कि भाई ये मूवी अपने डे 3 में 15 करोड़ से ज़्यादा कमा सकती है। तो सोच रहे हो मतलब 3 दिन में 35 करोड़ ये कमा लेगी। अब एक्चुअली में बात करके इस मूवी में है क्या, देखो मैंने रिव्यू ऑलरेडी दिया है तो आप जाके देख सकते हो क्या मूवी बनाई है। देखो इस मूवी का जो टॉपिक है ना, एक्चुअली में जो दिखाया गया है वो सही है कि नहीं इससे अपने को मतलब नहीं है, मैं क्लियर बता रहा हूँ। देखो अब हमको जो दिखाया जा रहा है अब हमको लग रहा है वही सच है, तो ऐसा नहीं हो सकता, शायद कुछ और भी हो। लेकिन जिस हिसाब से डायरेक्टर ने प्रेजेंट किया, मैं मूवी के बारे में बात कर रहा हूँ, मैं टॉपिक के बारे में बात नहीं कर रहा कि टॉपिक सही है इसको सपोर्ट करो, मैं मूवी के बारे में बात कर रहा हूँ कि जिस हिसाब से डायरेक्टर ने प्रेजेंट किया हर चीज़ को, वो इमोशन दिखाया, कुछ दिखाया कि आपको लग गया कि ये सच में पाकिस्तान या अफगानिस्तान में शूटिंग हो रहा है लेकिन उसको इंडिया में शूट करके, मतलब हर चीज़ को अच्छी तरीके से सजाया गया। और हर एक एक्टर ने काफ़ी ज़्यादा अच्छी एक्टिंग की है ताकि आपको लगेगा कि भाई सच में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है, इमोशन से खेल जाती है, आपको इरिटेट कर देगी भाई साहब, गुस्सा दिला देगी ये मूवी। देखो मैं टॉपिक के बारे में बात अभी भी बोल रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ कि मूवी बनाने का जो तरीका, उनका प्रेजेंट करने का तरीका। एक्चुअली मैं टॉपिक के बारे में को उतना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है कि ये सच है कि झूठ है, तो इसको भाई साहब साइड में रखते हैं। लेकिन भाई मूवी का जो बनाने का थॉट था वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, हर चीज़ को काफ़ी ज़्यादा अच्छे से प्रेजेंट किया, कुछ भी ऐसा नहीं लगा कि भाई साहब ओवर एक्टिंग चल रही है या ये क्या दिखाया जा रहा है। तो इसी वजह से ऑडियंस काफ़ी ज़्यादा इस मूवी को पसंद कर रही है। और हो सकता है भाई ये मूवी कश्मीर फाइल की तरह एक रिकॉर्ड बना सके भाई, ठीक है। और उसके बाद आधा शर्मा की एक्टिंग यार माइंड ब्लोइंग एक्टिंग, वो क्यूटनेस देखो उसका, मतलब हर जगह वो काफ़ी अच्छी एक्टिंग करती है। या कॉलेज में ले लो उसके पास, या वह चल जाती है वहाँ पर अफगानिस्तान में, तो वहाँ की एक्टिंग देख लो भाई, सब में बंदी एकदम फिट हो जाती है। तो चलो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।